हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च का फाइनली वो 3 मार्च को लटक जाए, क्योंकि मैं बहुत खुश इसलिए नहीं हूँ कि ये तीसरी बार डेट वारंट जारी हो गया है। दो बार कभी नहीं छोड़े, आज भी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि 3 मार्च फाइनल डेट होगा। तो आज डेट दे दिया गया है, एक तसल्ली तो जरूर है। हाँ बिल्कुल तसल्ली है, बिल्कुल तसल्ली है, खुशी भी है कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब रेमडी पूरी हो, कब उनको डेट ऑरेंज निकले, तो फाइनली आज डेट। पहले आपकी नाराजगी भी थी कहीं ना कहीं पटियाला कोर्ट से कि यहाँ पर आपको जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, डेथ वारंट नहीं जारी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन दे, लेकिन आज का दिन कितना संतुष्टि भरा? मुझे बहुत संतुष्टि है। कई बार होता है, सिचुएशन ऐसा होता है, आके टूटना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं माने। जब इनको 3 तारीख को डेट वारंट मिला कि 6 बजे लटकाए जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है और हम खुश हैं, पूरा देश खुश है, क्योंकि अभी फोन आया था घर से, गांव से, कि क्या हुआ, तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसा है, तो गांव में भी लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं, क्योंकि 2 बार कैंसिल होने का, तीसरी बार बहुत जांच परख करके हुआ है, तो निश्चित रूप से 3 तारीख को इनकी फांसी हो जाएगी। तो सर, ये जो फांसी होगी इसके बाद समाज में कौन सा मैसेज जाने का चांसेस है? इसमें जो क्रिमिनल लोग हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा कि हम क्राइम करेंगे तो आज नहीं तो कल हमें सजा मिलेगी या जरूर मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे इस टाइप के वारदात कम होंगे? बिल्कुल होंगे। पहले कोर्ट और सरकार इनको सजा देकर तो दिखाए, कम कैसे नहीं होगा। सजा ना मिलती है जहां, वहीं पे क्राइम बढ़ता है ज्यादा, तो जहां पे सजा का प्रावधान है वहां पे क्राइम नहीं। तो विदेशों को देख लीजिए, जहां हाथ मतलब सजा मिल जाती है वहां क्राइम होता ही नहीं है इस तरह का। तो सजा मिलेगी तो क्राइम रुकेगा।